हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम राइज मी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन की फेस पैक की, जो कि हमें ब्राइट स्किन प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको ऐसी ही होम रेमेडीज़ वाली वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले इसी तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहे। तो चलो हम इस वीडियो में आगे चलते हैं। मैंने मेन इंग्रेडिएंट्स लिए हैं बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, टर्मरिक, हनी, एलोवेरा जेल एंड रोज़ वाटर। तो मैं एक एक करके इनकी बात करूँगी आगे। तो जैसा कि बेसन, तो बेसन क्या है, हमारे लिए जेंटल क्लींजिंग का काम करता है, हमारे एक्ने को कंट्रोल करता है, स्किन ब्राइटनिंग का काम करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है एंड हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। वैसे ही अगर हम रोज़ वाटर की बात करें तो ये हमारे लिए एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है और स्किन को रिफ्रेशिंग करता है, ड्राई स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए होता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं इसमें ये वाला पैक ऑयली स्किन वालों के लिए रेडी कर रही हूँ, जिसमें मैंने एलोवेरा जेल को एक्स्ट्रा ऐड किया है। देन मैं नेक्स्ट वाले में कर्ड यूज़ करूँगी यानी कि दही। तो आगे आप बने रहना इस वीडियो में, देखते रहना। और इस पैक को हमें हफ्ते में 2 से 3 बार तो यूज़ करना ही है अच्छे रिजल्ट्स के लिए, जैसा कि मैं इसमें वीडियो में आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। इसको अच्छे से आपको फ्लफ़ी करना है, जब तक ये फ्लफ़ी ना हो आपको इसको थोड़ा फेंटते रहना है। देन इसके बाद इसको अप्लाई करना है, 15 से 20 मिनट इसको आपको रखना है। देन इसको वॉश करना है नॉर्मल वाटर से। अच्छे रिजल्ट्स के लिए हफ्ते में 2-3 बार इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट पैक की बात करते हैं। तो इसमें मैंने लिया है बेसन, जो कि मैं आगे बात कर चुकी हूँ। इसमें फिर मैंने लिया है कर्ड, जो कि कर्ड हमारे लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र का काम करता है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो कि स्किन को रेडिएंट देता है, रेडिएंट बनाता है, स्किन को हेल्दी रखता है, स्किन प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारे स्किन टोन को एनहांस करता है। तो ये सब हमारा कर्ड हमारे को देता है। देन अगर हम लेमन की बात करें तो लेमन भी एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, हमारी स्किन को बूस्ट करता है एंड ग्लोइंग एंड ब्राइट स्किन देता है। अगर हम बात करें हनी और टर्मरिक की, तो टर्मरिक हमारी एंटी बैक्टीरियल होती है, जो कि हमारे स्किन के इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, हमारे स्किन टोन को इम्प्रूव करती है, इनहांस करती है, रेडिएंट देती है। वहीं हनी भी हमें मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, ये हमारे स्कार्स को फेड करने में हेल्प करता है। तो जिस कंसिस्टेंसी में मैंने यूज़ किया है, इस कंसिस्टेंसी में आपको रखना है इसे, थोड़ा थिक रहेगा ये। देन इसको 15 to 20 मिनट अप्लाई करना है। तो अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसमें अपना नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इजीली आपको घर में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं आप। नेक पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन 15 to 20 मिनट तक के वॉश कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।